आज दूर देश से आया तोता, पंख पसारे मेरा तोता। आज दूर देश से आया तोता, पंख पसारे मेरा तोता। नई कहानी लाया है और नई बात भी लाया है। कहानी लाया है और नई बात भी लाया है। अरे बोल रे पट्टू बोल, अरे बोल रे मिट्ठू बोल। गाँव में है शिक्षा का भाव, लेकर ये छोटी सी पुस्तक घर घर तुम प्रचार करो। और कथा तुम्हें सुनाता है रमन चाचा की घर की। ये बस आइए 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 देखिए, मेरी बच्ची बेदम बेहाल हुई जा रही है, इसका चेहरा भी पीला पड़ रहा है। आप परेशान मत होइए, इसके बदन में भी दाने हैं। ठीक है मैं देखता हूँ। हाँ बेटे बताओ क्या बात है। आगे वाले हिस्से में दर्द है, आंखें घुमाने से पुतली में दर्द होता है, जोड़ जोड़ टूट रहा है। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बेटा आंखें दिखाइए, जवान दिखाइए, पीठ दिखाओ जरा सा। देखिए इसे फौरन अस्पताल ले जाना होगा। अच्छा, इसे डेंगू के लक्षण है। डेंगू? जी हाँ, तुरंत इसका उपचार करना होगा। आपने कोई दवा तो नहीं दी? नहीं डॉक्टर साहब, कोई दवा नहीं दी। बहुत अच्छा किया, क्योंकि डॉक्टर से पूछे बिना दवा देने से जान जाने का भी खतरा होता है। डॉक्टर साहब यो लो बेटा, इसे सब जगह बंटवा दो ताकि सबको डेंगू की जानकारी रहे। और हाँ, कहीं पर भी पानी को इकट्ठा ना होने दें। अच्छा। क्योंकि ठहरे हुए पानी में ये मच्छर अंडे देता है। अच्छा, फिलहाल इसे अस्पताल ले चलिए। हाँ, बाकी बातें बाद में। अच्छा। अरे बोल रे मिट्टू बोल, अरे बोल रे पट्टू बोल। अरे कृष्णपुरी की कथा सुना, रमन की बिटिया ठीक हुई क्या, ये कुछ जाने हाल बता। ये है डेंगू का मच्छर। कौन सा मच्छर? डेंगू का। इसका नाम एडिस है। क्या नाम है? एडिस। इसे शेर मच्छर या टाइगर मच्छर भी कहते हैं। इसे टाइगर मच्छर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका वार शेर से कम घातक नहीं होता। और ये देखो, ये है छतों पर रखी पानी की खुली टंकियां, बेकार ड्रम, बेकार टायर, कूलर और गमले, इन सबके ठहरे हुए पानी में भी ये मच्छर अंडे देता है। इसलिए पानी को हमेशा ढांक कर रखो, और हो सके तो कूलर को भी सप्ताह में एक बार अवश्य सुखा दो। मेरे घर में तो बहुत से फूलदान हैं, तो उनका पानी रोज बदला करो। और कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? देखो बेटा, एक दवा है जिसका नाम है मेलाथियान। क्या नाम है? मेलाथियान। हाँ, मेलाथियान ये एक टेक्निकल दवा है। इसके 7 से लेकर 10 दिन के अंतर पर
घर में छिड़काव करने से इन मच्छरों से छुटकारा पाया जा सकता है। डॉक्टर चाचा, रमन चाचा के बेटे को डेंगू कैसे हो गया? बेटा ये तो जरा सी लापरवाही से किसी को भी हो सकता है, इसलिए पूरी बांह के कपड़े पहनना चाहिए और हो सके तो पैरों को भी हमेशा ढांक कर रखो। डॉक्टर चाचा, मच्छर तो इतने हैं कि रात भर भनभनाते हैं। देखो बेटा, ये मच्छर सूर्योदय के 2 घंटे बाद और सूर्यास्त के 2 घंटे पहले काटता है। क्या? रात में सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। डॉक्टर चाचा, डेंगू इतना ज्यादा क्यों होने लगा है? बहुत अच्छा प्रश्न किया बेटा तुमने, बैठो। देखो बच्चों, शहर के क्षेत्रों की वृद्धि हो रही है, यानी शहर बढ़ते चले जा रहे हैं, आबादी बढ़ती चली जा रही है। जब आबादी बढ़ रही है तो जलापूर्ति जो है अनिश्चित हो गई है, यानी बराबर मात्रा में हर समय पानी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, जिसके कारण पानी को लोग इकट्ठा करके रखने लगे हैं। और जब पानी को इकट्ठा करते हैं तो वही पुरानी विधि, यानी पानी को खुला रखते हैं, इसलिए पानी को ढांक के रखना चाहिए। और जो व्यक्ति रोगी हो, यानी रोग से ग्रसित हो, उसको इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। डेंगू के बारे में लोगों को जानकारी भी नहीं है, है ना? और इसकी रोकथाम कैसे की जाए इसके बारे में भी लोगों को नहीं पता है, जिसकी वजह से इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। और खराब साफ सफाई, यानी अपने घर के घर में, मोहल्ले में, सड़क पर, पार्क पर सफाई रखनी चाहिए। अगर वहां गंदगी होगी तो वहां भी ये मच्छर पैदा होते हैं। और देखा था ना रमन चाचा की बिटिया का हाल? तेज बुखार था, बदन में लाल दाने थे, खाल पीली हो रही थी। बच्चों, ये डेंगू 2 तरीके का होता है। एक वो होता है जिसमें मसूड़ों से या शरीर के किसी भी भाग से खून निकलता हो, और या फिर तेज बुखार हो और सारे बदन में लाल लाल दाने निकलते हो। ठीक है, अब ऐसा करो बच्चों, ये ले जाकर के सब जगह बांट दो, है ना, जगह जगह बंटवा दो, ताकि सबको डेंगू के बारे में जानकारी हो जाए। छोटा सा मच्छर फिर से ज्यादा घातक है, पर इसीलिए देता हूँ ज्ञान, डेंगू से मत को ना जान। बाजी तोते, अरे बाजी तोते, मिट्टू बेटे किसको बांटे घर घर बच्चे। साफ सफाई में जुट जाओ, सब खुशहाल बनाओ। वाह भाई तोते, मिट्टू बेटे किशनपुरी की कथा सुनाई, डेंगू से बचने की तुमने एक राह फिर नहीं दिखाई।